हार्दिक स्वागत है आत्मचिंतन के क्षण। बुराइयों के प्रति लोगों में जिस तरह आकर्षण होता है, उसी तरह यदि ऐसा दृढ़ भाव हो जाए कि हमें अमुक शुभ कर्म अपने जीवन में पूरा करना ही है, तो उस कार्य की सफलता अंश दिगर्ध हो जाएगी। यदि सिनेमा न देखेंगे का, बीड़ी सिगरेट न पीने का, जुआ न खेलने का, मांस मटीरा न सेवन करने का व्रत ठाना जाए और उस व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाए, तो इन दुर्गुणों के कारण मिलीन होने वाले स्वभाव में स्वच्छता आएगी। जीवन का एक संग्राम है, इसमें वही व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है जो या तो परिस्थिति के अनुकूल अपने को ठान लेता है, या तो अपने पुरुषार्थ के बल पर परिस्थिति को बदल देता है। हम इन दिनों में से किसी भी एक मार्ग को या समयानुसार दोनों मार्ग का उपयोग कर जीवन के संग्राम में विजयी हो सकते हैं। शिष्टाचार हमारे आचरण और व्यवहार का एक नैतिक मापदंड है, जिस पर समयता और संस्कृति का भवन निर्माण होता है। एक दूसरे के प्रति श्रद्धावान, सहानुभूति, सहयोग आदि शिष्टाचार के मूलाधार है। इन मूल भावनाओं से प्रेरित होकर दूसरों के प्रति नम्र, विनयशील, संयम, आदरपूर्ण, उदार आचरण ही शिष्टाचार है। भाग्यवाद का नाम लेकर अपने जीवन में निराश निरुत्साह के लिए स्थान मत दीजिए। आपका गौरव निरंतर आगे बढ़ते रहने में है। भगवान का वरद हस्त सदैव आपके मस्तक पर है, वह तो आपका पिता, अभिभावक, संरक्षक, पालक, सभी कुछ है। उसकी निष्ठुरता आप पर भला क्यों होगी? क्या यह सच नहीं है कि उसने आपको यह अमूल्य मनुष्य शरीर दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया है? कुछ अपनी इन शक्तियों से भी काम लीजिए, देखिए आपका भाग्य बनता है या नहीं। जो सत्य है उसे साहस पूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो, उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्य मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्य के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बहुत ले जाती है, तो ले जाने दो। वे जितना सिद्ध बह जाए उतना अच्छा ही है। जो मनुष्य इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उसे एक ही जन्म में हजारों वर्ष काम करना पड़ेगा। वह जिस युग में जन्मा है उसे बहुत आगे जाना पड़ेगा, किंतु साधारण लोगों किसी तरह रेखते रेखते ही आगे बढ़ सकते हैं। मन का विकास करो और उसका संयम करो। उसे बाद जहां इच्छा हो वहां इसका प्रयोग करो, उससे अति शीघ्र फल प्राप्ति होगी। यह है प्रयार्थ आत्मोन्नति का उपाय। एकाग्रता सीखो और जिस और इच्छा हो उसका प्रयोग करो। ऐसा करने पर तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ेगा। जो समस्त को प्राप्त करना है वह असम को भी प्राप्त कर सकेगा। सभी मरेंगे, साधु या असाधु, धनी या द्रविड़, सभी मरेंगे।
चिरकाल तक किसी का शरीर नहीं रहेगा, अतएव उठो जागो और संपूर्ण रूप से निष्कपट हो जाओ। भारत में घोर कपट समा गया है, चाहिए चरित्र, चाहिए इस तरह की दृढ़ता और चरित्र का बल जिससे मनुष्य आजीवन दृढ़ व्रत बन सकेगा। श्री राम शर्मा आचार्य, जय गुरुदेव।